रख के पास पागल हुई सास। आजकल वर्मा जी की पत्नी देवकी जी केबल पर रियलिटी शोज देख देख कर बहुत कुछ सीख रही हैं। जैसे आज तो वो सुबह सुबह बेसुरे आलाप ले रही हैं। सारे जी, सारे गामा पाधा नीसा होता है। अरे वो तो सब गाते हैं, ये मेरा स्टाइल है। आवाज तो कम कर लीजिए माँ जी, पर्दे फट जाएंगे कान के। ये कहो कि पर्दों में आग लग जाएगी, देखना मेरी आवाज सुन के जज आग लगा देगी, आग लगा देगी, तू तो आग लगा देगी, ऐसा बोलेंगे। सरिता वहां से परेशान होकर चली जाती है और सास रियाज जारी रखती है। सारे गाओ, सारे नाचो। तभी बाबूजी दुकान से लौटते हैं। अरे देवकी, क्यों तानसेन बनी हुई है, कान से खून निकालोगी क्या? अरे क्या हुआ, रियाज तो करने दो मुझे। इसको रियाज बोलते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े हिन हिना रहा है। घोड़े पे बैठ के ही बंबई जाऊंगी मैं तो, जब जज साहब कहेंगे कि देवकी तुम मुंबई आ रही हो। जज साहब वो अदालत वाले? अरे नहीं नहीं, बड़े लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। ओ मैं तो छोड़ चली अपना ये देश, बम्बईया मुझे प्यारा लगे। गाना गाती हुई देवकी चली जाती है और बाबूजी अपनी सरफिरी पत्नी के इस संगीत प्रेम की चर्चा करने बहू के पास चले जाते हैं। अरे सरिता बेटा सुनो तो, ये तेरी सास को क्या हुआ है बेटा, सुबह तो अच्छा भला छोड़कर गया था इसे। सिंगर बनेगी अब वो, सिंगिंग रियलिटी शो में जाने की सुबह से तैयारियां चल रही हैं इनकी। हाँ अब तो कोयल के सुर मेंढक छेड़ेगा, हे भगवान सद्बुद्धि दो इसे। इधर बाबूजी भगवान को कहते हैं और उधर राधा रानी प्रकट हो जाती है, देवकी की मोहल्ले की सबसे पक्की दोस्त। क्यों रे देवकी, काहे इतना गला फाड़ रही है, कोई चीखने चिल्लाने का कंपटीशन है क्या? अरे ये देख नया सिंगिंग शो, मैं भी गाऊंगी, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बनूंगी। अरे इतना बेसुरा गा के दिलों की धड़कन नहीं, दिलों का अटैक बन जाएगी। इससे तो अच्छा है कि ना चीले, वैसे भी दिन भर मोहल्ले में नाचती तो रहती है तू, कभी इसके घर कभी उसके घर। देवकी को समझ में आ जाता है कि उसका गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। अगले दिन सरिता देखती है कि सास पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। अरे माँ जी, क्या मंजुलिका बनी हुई है आज आप? अरे नाचने दे बहू, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। अरे माँ जी अभी जान निकल जाएगी इतनी जोर से नाचेंगी तो। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे दिख नहीं रहा, डांस कर रही हूँ। अरे जैसी तुम्हारी हरकत है, तुमको तो नागिन डांस करना चाहिए। वो भी करूंगी, भांगड़ा भी करूंगी, देखना जज मुझे देख के स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हाँ स्टैंडिंग ओवेशन तो देंगे ही, ताकि खड़े होकर वहां से भाग सके तुम्हारा डांस देखकर। अरे कुछ ढंग की चीज करो, ये रोज क्या नया शुरू कर देती हो। सास को लगता है कि उसका डांस का सीन भी बिगड़ गया। अब वो टीवी देख के कोई और कलाकारी ढूंढने लगती है। तभी उसे टीवी पर खतरों के खतरनाक खिलाड़ी शो दिखता है, जिसमें लोग अलग अलग स्टंट करते हैं। बस देवकी को नया काम मिल जाता है। अगले दिन सुबह देवकी डंबल लेकर कसरत करने लगती है। माँ जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे खाली जैसे बनकर खलबली मचा दूंगी, कल मैंने खतरों के खतरनाक खिलाड़ी देखा और सोच लिया कि मुझे वही जाना है। हाँ बस।
तभी वहाँ बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे इतना भारी डंबल, अरे गिर मत जाना कहीं लेकर। अरे चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने वाली हूँ। हाँ मैं तो इस शो में तभी गया था जब तुमसे शादी हुई थी। तुमसे शादी करना भी खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने से कम थोड़ी ना। अब चुप भी रही है। अरे बहू वो भारी वाला डंबल उठा कर ला तो। अरे नाना माजी आप संभाल नहीं पाओगी। अरे मैंने टीवी में देखा था एक आदमी कार उठा लेता है, इतना तो मैं उठा ही सकती हूँ ना। बहू घबराते हुए भारी वाले डंबल माँ के हाथ में दे देती है। जैसे ही माँ दोनों हाथ ऊपर करती है पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। डंबल जाकर टीवी में लगता है और टीवी फूट जाती है। माजी उठिए माजी। बाबूजी बहुत तेज हंसने लगते हैं। बाबा बाबा टीवी और बीवी दो टेंशन थे मेरे, आज एक कम हो ही गया। बहू भी सास को उठाते उठाते इस बात पर ताली बजाकर हंसने लगती है और देवकी फिर से गिर जाती है। और इस बार देवकी भी अपनी बेवकूफी पे हंसी रोक नहीं पाती।